एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? लो, क्या आप थोड़ा सा पंखा चालू? अबे थारे यहाँ फूफा के हम यहाँ नौकर लग रहे हैं, तेरे पानी मारे और जो है एसी चलाए और पंखा झल ले, क्यों है तू? नहीं एक्चुअली मैडम, क्या बात है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा हूँ और ये पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मिनट मैडम, लेट मी हैंडल। क्यों डरे हुए हो यार? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें आग दिखा दी या पड़ोसन ने सैंडल? वो हुदा युदा आरिजदा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इजदा। मैडम मैं राजू रस्तोगी हूँ, नीलम जुनेजा मेरी सास है। वो व्हाट इज द प्रॉब्लम इजदा? दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इजदा। मैडम भूतनी। ये मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। मैडम इसने आपको भूतनी कहा, तेरी तो नहीं। नहीं मैं मैडम को भूतनी नहीं कह रहा हूँ, मैं भूतनी को ही भूतनी कह रहा हूँ। सोनिया जुनेजा मेरी साली है। यार इंसान कम पाप कर रहे हैं जो तू भूतनी होगी एफ आई आर लिखाने आ गया चौकी में। नहीं नहीं मैडम, मैं भूतनी के खिलाफ एफ आई आर लिखवाने नहीं आया हूँ। मैं तो उस आदमी के खिलाफ एफ आई आर लिखवाने आया हूँ जिससे मैंने एक हफ्ते पहले मकान खरीदा। रितेश मक्खर मेरा साड़ू है। अबे तो क्या कर दिया मकान मालिक ने, पैसे थारे से लेके ताला अपना डाल दिया या दो चार और फालतू लोगों को थारे अलावा बेच दिया है मकान? नहीं नहीं मैडम, ताला भी मेरा है और मकान भी उसने मुझे ही बेचा है। तो फिर क्या हो गया यार? मतलब उसने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए या मकान के जो कागज है वो गलत बना दिए? नहीं नहीं उसने पैसे भी सही लिए और मकान के कागज भी बिल्कुल बरोबर है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्या कर दिया उसने? तुम्हारी बीवी को भगा के ले गया या अलिंगन सिनेमा में तुम्हारी साली को फिल्म दिखाने ले गया? कैरी ऑन। मैडम मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है, वो मेरे साथ नहीं रहती है। क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम एक्चुअली बात यह है कि मैंने वो मकान खरीदा, उसके बाद में मैं वहां पे रहने के लिए गया तो वहां पे मैंने देखा कि एक तहखाना है मैडम और उसमें एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है, लेकिन उस मकान मालिक ने उस ताले की मुझे चाबी नहीं दी। मैडम रात को उस तहखाने से घुंघरों की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है और कोई औरत चिल्लाती है, चीखती है, गाना गाती है, हंसती है और बंगाली में कहती है के मैं नाचो। एक मिनट यार, ये भी तो हो सकता है उस तहखाने के अंदर कोई हसीना रहती हो। मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए मैं अपने पड़ोसी के पास गया, मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो वो बेहोश हो गया और होश में आने के बाद कहता है कि आपको उस तहखाने के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि नीलम जुनेजा मेरी सास है। तो क्या तुम्हारे पड़ोसी ने उस तहखाने की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया? मिस्ट्री या दिस वन? अरे कहां मैडम, वो तो बार बार बेहोश हो जाता है और बार बार होश में आता है और होश में आने के बाद सिर्फ इतना ही कहता है कि वो एक भूतनी है, बंगाली में बोलती है केमो नाचो। भूतनी? भूतनी नाच गा रही, हल्ला काटी, चिल्लम चिल्ली मचा रही, घुंघरू बजा रही, पायल खनका रही, चूड़ी बजा रही है। ये सब बेकार बातें, अंधविश्वास ज्यादा फैलाने की जरूरत ना है, भूत प्रेत कुछ ना होते। तो मैडम कौन हो सकता है? महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। यार एक मिनट यार, ये इंटरेस्टिंग केस है, वो पड़ोसी कौन है यार जो रहस्यमय बातें कर रहा है? जरा पड़ोसी को बुलवाओ, उससे करें शुरुआत तहकीकात। फॉलो हिम। उधर कहा, अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या? ऐसी नहीं आती। मैडम पड़ोसी
वेल मॉम शी इज द पड़ोसी इज द लखनऊ में एयरपोर्ट अमोसी इज द चुप रहे यार तू है राजू का पड़ोसी पकड़ना जी मैं इनका पड़ोसी हूँ होश में आने के बाद Oh my God, she's paint. Paint. yeah, this one. Hi. Oh, हाँ हाँ. Oh, हाँ. तू paint हो गया था? मैडम बताइए आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं होश में आने के बाद एक मिनट अब अगर नेक्स्ट टाइम तू बेहोश हुआ तो कभी होश में ना आएगा तू समझा सुन ले कान खोल के Well, bro, what is the name is the Kanpur mein traffic jam is the? जी मैडम मेरा नाम है सचिन निगम होश में आने के बाद ओ और बेहोशी में क्या हो सचिन तेंदुलकर ये क्या है ये राजू के घर का चक्कर मतलब उसमें जो तहखाना है तहखाना मैडम तहखाना ये तहखाने की वजह से ही मैं ऐसे बार बार बेहोश हो जाता हूँ मैडम उस तहखाने में चुड़ैल रहती है और मैडम ये इनको बेवकूफ बना के वो घर भेज दिया गया है वो घर भूतिया है भूतिया हाँ और इनको उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया होश में आने के बाद जय हो मम्मी जी की मैडम मतलब ये हुआ कि ये जो इतना महंगा मकान मैंने खरीदा है वो भूतिया है उसमें चुड़ैल रहती थी तने कैसे बेरा वो मकान भूतिया उसमें चुड़ैल रहे बे क्योंकि मैडम मैं इनका पड़ोसी हूँ मैं भी वहां रहता हूँ और मैं भी रात रात भर चीखने की आवाजें सुनता हूँ होश में आने के बाद जय हो मम्मी जी की मैडम घुंघरुओं की आवाजें पायल की आवाजें किसी के नाचने की आवाजें और हंसी सब सुनता हूं मैं और ये आज से नहीं हो रहा है ये चुड़ैल मेरे दादाजी के जमाने की है ओह तो वो चुड़ैल तुम्हारी दादी की उम्र की है वो जवान है वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती वो हमेशा जवान ही रहेगी कोई बंगालन है बंगाल की है बंगाली बोलती है होश में आने के बाद मैडम बचपन में मैंने सिर्फ उसके किस्से सुने थे लेकिन एक बार मैंने उसे देख लिया तब से बार बार बेहोश हो जाता हूँ होश में आने के बाद हाय हाय जय हो मम्मी जी की वेल मॉम दिस इज नॉट द गुड इज द इसके साथ हुई है चीटिंग इज द चीटिंग या दिस वन भाई अब्बल अब्बल तो भूत प्रेत होते कोई ना है लेकिन भाई तहखाने का कुछ ना कुछ तो रहस्य है और तहखाने का क्या है रहस्य वो तो बताएगा मकान का मालिक जिसने मकान बेचा है yes! तो कॉल द मेन आदमी मकान मालिक ओके आ रही और बेहोशी के मनाचो ऐसी वो हंसती है
आइए मैडम, आइए आइए। बस मैडम वो ही सोच रहा था मैडम, आप आएंगी कहीं, आप कहीं आप भीग ना जाएं, इसलिए छाता लेके मैडम पहले ही खड़ा हो गया। मैं तो एक घंटा पहले आ गया था मैडम, एक घंटा पहले, और तभी मतलब मैंने छाता लिया और रेडी के भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको आने में, इसलिए मैडम मैं पहले से ही ऑल प्रिपेयर्ड। मैडम क्या है कि काम पे तो मतलब ये अपना काम है मैडम, वर्क इज वर्शिप। वैसे मैडम वो एक हाफ डे चाहिए था आज। नहीं मिलेगा। ये गुड ट्राई बैड लक। आइए आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। मॉम शी इज द कम इज द, बारिश हो रही है झमाझम इज द। तैने अपना मकान राजू रस्तोगी को बेचा है? जी पूरी नमकीन है। क्या बात करो यार, पूरी नमकीन है? चलो नमकीन तो नमकीन सही है, लेकिन उस पूरी के साथ तुम खाओगे क्या? मतलब छोले खाओगे क्या, आलू की सब्जी खाओगे क्या, अचार खाओगे या मटर? तू पूरी के आटे में गुथ जा तू अजवाइन बनके, तू फूल जा पूरी से भी ज्यादा, फूल जा कढ़ाई में तू, बिल्कुल पूरी को कंपटीशन दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे तू, रोजी रोटी छीन ले पूरी की, पेट पे लात मार ले पूरी के तू। हाँ भाई धोखा दिया है तेने राजू को। ये क्या कह रही हैं आप मैडम, पूरी नमकीन है? Well, इससे पहले ले ले मॉम कोई एक्शन, तुम दे दो अपना इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन या दिस वन। जी मैडम मेरा नाम है सत्यवादी श्रीवास्तवा, पूरी नमकीन है। लो भैया माँ बाप ने बिल्कुल ही जो है लाड़ में नाम रख दिया है अपने बेटे का सत्यवादी, जो बिल्कुल सत्यवादी नहीं हो रहा है, बिल्कुल असत्य का भंडार और झूठ का हो रहा है समंदर, जिसमें मछलियां गोते खा रही हैं बिल्कुल ही। क्यों भाई तने क्यों ना बताया राजू को घर बेचने से पहले कि घर में जो है एक तहखाना है, जिसमें जो है एक लेडीज है, लेडीज जो है बंगाली में बात करे, डरावनी आवाज निकाले, चूड़ी खनकाए, पायल बजाए, नाचती है, रोती है, हल्ला काटती है, नित दिन जो है तरह तरह की चीजें कर रही है वो। देखिए मैडम मैंने राजू रस्तोगी को मकान बेचा है, उसको कहिए कि मकान में रहे, उसको तहखाने से क्या मतलब है, पूरी नमकीन है। अच्छा। और मैडम वैसे भी देखिए मैंने उस तहखाने के लिए राजू से एक रुपया भी नहीं लिया है, तो चीटिंग कहां से हुई, पूरी नमकीन है। अरे ये क्या बात हुई, मतलब एक मकान है जिसके अंदर एक भूतिया तहखाना है और उसके अंदर एक शीला मुन्नी टाइप की नचनिया भूतनी नाच रही है, अब ऐसे घर में ऐसे मकान में कोई आराम से चैन से कैसे रह सकता है यार? अरे बकवास है ये, एकदम बकवास है। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है मैडम, मैंने आज तक अपने कानों से ये आवाज नहीं सुनी। जो कुछ भी सुना है सिर्फ दूसरों से ही सुना है, पूरी नमकीन है। अबे तो जो दूसरों से सुनी है भाई सुना देता राजू को। क्यों सुनाता मैडम, कैसे सुनाता, क्यों सुनाता आप बताइए मैडम, अगर ये राज मैं उसको बता देता तो क्या राजू मेरा मकान खरीदता, पूरी नमकीन है। दादाजी आप बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाता तो क्या आप मेरा मकान खरीदते? Well, not at all is the, जयपुर में बन रहा है नया मॉल is the। ए भाई साहब आप खरीदते मेरा मकान? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे खरीदना तो दूर की बात है, मैं उसके आसपास भटकता भी नहीं। सुन लिया मैडम आपने, सुन लिया, आप बताइए मैं क्या करता मैडम, और वैसे भी मैडम जिस चीज पर मुझे खुद को यकीन नहीं है उसको मैं अहमियत क्यों दूं, पूरी नमकीन है। अबे सुन इधर ओवर स्मार्ट, थारा यकीन जाए कुएं में पड़े है, तू भाड़ में जा तू और थारा यकीन, किसे पड़ी है, हु केयर्स फॉर योर यकीन। आवाजें तो आ रही है ना तहखाने में से, घर में से कोई जो है एकदम वहां एकदम डरावनी आवाजें निकाल रहा है, कुछ तो मिस्ट्री हो रही, रहस्य हो रहा, और वो रहस्य क्या है आज रात में जाके पता लगाऊंगी। क्या क्या कह रही हैं आप मैडम, आप खुद जाके? अरे मैडम कहीं वहां पे सचमुच वो चुड़ैल निकल आई तो फिर आप क्या करेंगी मैडम, आपको तो बंगाली भी नहीं आती है। या मॉम डोंट गो इज द, कहीं सच की चुड़ैल वहां ना हो इज द। You boys are right. सही है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओगे और मन ने रिपोर्ट दे हुए। पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैडम आज, पता नहीं।
मम्मी जी मेरा सर चक्कर खा रहा है जी, मेरे सर में हेडेक है जी, मेरा माय हेड इज ईटिंग सर्कल। चलो अच्छी बात है, कोई बात ना, जाने की जरूरत ना है, मैं यहीं चौकी में तुम दोनों को तय खाने का मजा देती हूँ। समझ गए मैडम, समझ गए, जाएंगे जाएंगे, भूतनी तो भूतनी क्या है, उसमें जाएंगे क्यों गोपी? या दिस वन, वेरी गुड। तो जरा दिल मजबूत करो, ढांढस बनाओ, एक दूसरे को सांत्वना दो, एक प्रिपरेशन सी करो आपस में, एक मीटिंग बैठाओ। मैं सर से बात करके आती हूँ, वो भी जाएंगे तुम्हारे साथ। पूरी नमकीन है। सर तैयार रहिएगा सर, रात को 12 बजे जाना है। क्यों बे, रात को 12 बजे कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, हैं? केस के सिलसिले में जाना है सर। मिस चौटाला ने बताया केस के सिलसिले में, 12 बजे रात को कहाँ जाना है हमको, क्या काम है? सर एक केस है सर, उसमें एक घर है, घर के अंदर एक तहखाना है, तहखाने में एक चुड़ैल है जो बंगाली में बात करती है सर, उससे मिलने जाना है। फिर से चुड़ैल? ये है तहखाना, ताला है? अब क्या करें बे? क्या कर सकते हैं सर, वेट करते हैं, देखते हैं अंदर से कोई आवाजें आती हैं या नहीं। तो काम करो, वेट करते, तीन चाय लेकर आओ जा। ओ ना ना ना। सर यहाँ कहाँ चाय? Excuse me. बाहर से ताला है फिर भी अंदर से। सर ये क्या हो रहा है सर? कोई है? कोई तो है ही नहीं तो। दादाजी आप क्या कर रहे हो? दीदी कह रही है नाचो। अरे दादाजी वो बोल रही है केमो नाचो। हम जानते भाषा। बालवाची बालो नहीं, वो बंगाली बंगाली बंगाली। आई नो दिस लैंग्वेज। कोई है सर, दिख रहा है सर, आप एक मिनट जरा नीचे जाके देखिए ना सर, क्या है सर? हम भी जानते कोई है, हम क्यों देखे, तुम देखो जाकर। मैं वो चश्मा नहीं पहन के आया ना सर, नंबर है मेरी आंखों में सर, मुझे दिखाई नहीं देगा कुछ। तुम जाओ बे, तुम देखो। मुझे तो जी रसौंधी है, शाम को 6 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता जी। कौन सी बीमारी तुमको नहीं है, है? दुनिया की सारी बीमारी तुम देखो बे। मैं नहीं ना, देख पेट है ना बीच में, तो मैं तो झुक भी नहीं सकता। एक काम कीजिए ना सर, आप तो टॉल डार्क एंड हैंडसम है ना, तो आप ही झुक के देख लीजिए ना प्लीज। अभी हम टॉल और हैंडसम है तो हम बकरा बने। देखिए सर, देखिए, देखते हैं, हटो हटो, देखते हैं। देखिए ना सर, देखिए सर, देखिए। अबे डरा क्यों रहे हो बे? बालो अच्छी, दोस्ती कर रहे, बालो अच्छी। यहाँ देख।